Hey students, so today I have brought a video on how to solve quadratic equations. This is going to be helpful for the students of class 7th, 8th and so on. Because since last few days when I was teaching my students quadratic equations, what I noticed that in spite of telling them again and again, many a times they forget. Whenever I ask them again to solve any question, they do forget it. And they again keep on asking the same queries and same questions. So I thought of preparing a very short video on how to solve quadratic equation. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए quadratic equations क्या होती हैं. तो quadratic equation वो होती हैं जिनमें हमारे variable की highest power क्या होनी चाहिए, square होनी चाहिए, it should be 2. और इसका जो बेस होता है, किस तरीके से इक्वेशन होती है, तो यू कैन सी इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी इक्वेशन बनी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इनको हम इक्वल टू ज़ीरो मानते हैं. अब इसके पहले एक छोटा सा रिविजन, लाइक ये ऑल्दो हमें पहले से ही पता है कि प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस भी माइनस होते हैं, और जब भी हमारे पास सेम साइज साइन हो, अगर माइनस माइनस तो उसका रिजल्ट प्लस होगा, और प्लस प्लस तो उसका रिजल्ट भी प्लस होगा. सो हियर इज अ फॉर्म, लाइक एक बच्चे को मैंने बोला सॉल्व करो एक्स. अच्छा, तो उस बच्चे ने देखिए आप कैसे किया है, 12 के फैक्टर्स किए तो 4 और 3 आया, और इसमें फिर उन्होंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और दूसरे ब्रैकेट में माइनस 3x माइनस 12. तो आई टोल्ड दैट स्टूडेंट कि ये गलत मेथड है. अगर आप दो का ग्रुप बना के उसको ब्रैकेट में पैक कर लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में फिर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस वॉज द रॉन्ग मेथड. नाउ आई थॉट ऑफ टू प्रिपेयर अ वीडियो. तो देखिए ये नीचे वाला पोर्शन आप देखेंगे, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही, और जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है. बी एक्स में हमारे पास वेरिएबल जिसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर जिसकी 1 है, ठीक है, तो इसका कोफिशियंट बी होता है, और सी हमारे पास कांस्टेंट होता है. अब हमें करना क्या होता है, ये हमने आपको दिखाना है एक एग्जांपल की मदद से. तो मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. अब क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक्स को हमने लिख लिया 1x, ऑल्दो हमें पता है वी नेवर राइट 1x, बट स्टिल आई हैव रिटन टू एक्सप्लेन. फर्स्ट स्टेप होता है हमें कांस्टेंट के फैक्टर्स करने होते हैं. तो ये देखिए मैंने फैक्टर करके दिखाया आपको, कांस्टेंट जो कि है हमारा 6, तो 6 के हमने क्या किए, फैक्टर क्या आ गए इसके, 2 3 6, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए. तो हमारे पास ये ऐसे फैक्टर हो गए हैं 2 and 3. ओके, अगर कभी ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशियंट हो, लाइक अगर मान लो यहाँ पे 2x स्क्वायर होता, तो हम क्या करते, कांस्टेंट को ए से मल्टीप्लाई कर देते. ए क्या है, ए जो कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. ये देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म और ट्रिकी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ए सी लिख दिया है, लेकिन हमारे पास अभी एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशियंट नहीं है, तो हम 6 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और सीधे 6 के फैक्टर कर देंगे. अब हमें फैक्टर्स जो मिले वो मिल गए 2 और 3, लेकिन अब इन फैक्टर्स को हमें कैसे अरेंज करना है, तो पहले हमें देखना है साइन ऑफ कॉन्स्टेंट. तो हमारे कॉन्स्टेंट का साइन क्या है, माइनस है, तो यानी इन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है, इन फैक्टर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 and 3, हमें क्या मिलता है, हमें मिलना चाहिए एक्स का कोफिशियंट. देखिए इधर एक्स का कोफिशियंट 1 है, और 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 मिल जाएगा. सो दिस अरेंजमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है अरेंजिंग ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट इन सच अ वे टू गेट द कोफिशियंट ऑफ एक्स. तो अब हमें इनका अरेंजमेंट करना है. अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए 1x, तो हम 3 और 2 को अरेंज करेंगे इन द फॉर्म 3x माइनस 2x. ये देखिए मैंने इसका अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ऐसा ही रहेगा, प्लस अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा. 1x को हम कैसे लाएंगे, 1x को हम गेन करेंगे व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम 3x. तो इसको हमने कैसे लिखा है, 3x माइनस 2x, और माइनस 6 जो हमारा कांस्टेंट था वो सेम ऐसे ही रह जाएगा. यहाँ पे हमें एक और चीज़ चेक करनी है, जब हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को चेक करते हैं तो वी हैव टू चेक दैट देर इज़ नो मिस्टेक. अगर हमने चेक किया 3x माइनस 2x तो क्या आया, 1x, जो कि हमारी इक्वेशन से मैच कर रहा है. अब हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू टेक कॉमन. अब हमें कॉमन लेना है और फर्दर सॉल्व करना है. तो ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, हमने उसको एक्सपैंड कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो ब्रैकेट ओपन करते ही हमें क्या मिला, देखिए ब्रैकेट जैसे ही हमने ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, सेम थिंग वी हैव गॉट। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट में से एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स में से एक्स कॉमन ले लेंगे। देखिए हमने एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स प्लस थ्री। अब जो सेकेंड पार्ट था इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे टू एक्स और वहाँ पे सिक्स है, तो सिक्स के फैक्टर करके टू इंटू थ्री, तो हम और दोनों में माइनस है, तो हमने क्या किया, दोनों का माइनस भी बाहर निकाल लिया और टू भी बाहर निकाल लिया। टू एक्स के पास क्या बचेगा, टू तो चला गया, सिर्फ एक्स बचेगा। और सिक्स के पास क्या बचेगा, तो हम अपने माइंड में करेंगे टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स से टू चला गया, अब यहाँ पे क्या बचेगा इनटू थ्री, और ये कैसा होगा, ये होगा प्लस का। वाई, बिकॉज वी हैव टेकन माइनस एज द कॉमन, तो अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। नाउ व्हाट वी सी इज एक्स प्लस थ्री हमारे दोनों ही पार्ट में कॉमन है, तो अब हम एक्स प्लस थ्री को बाहर निकाल लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचना चाहिए एक्स माइनस टू। कैसे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में से एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। सेकेंड पार्ट में से एक्स प्लस थ्री निकल गया तो क्या बचा, माइनस का टू, तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड बच जाएगा वो होगा एक्स माइनस टू। तो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, लाइक ये रही है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया, इसमें मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक कोफिशियंट दे दिया है, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स प्लस फाइव। तो अब हम क्या करेंगे, हम एसी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, थर्टी। अब हमें थर्टी के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पे क्या जाए, जिनको प्लस करने पे एक्स का कोफिशियंट यानी कि सेवनटीन आए, तो देखिए फिफ्टीन और टू, ये दो हमारे ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, और अगर 15 और 2 को हम प्लस करें तो 17 आएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया है, 6x स्क्वायर अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, 17x को हम ब्रेक करेंगे 15x एंड 2x, और ये प्लस के ही रहेंगे। उसके बाद 5 हमारा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अगेन हम कॉमन लेने का काम करेंगे, कुछ बच्चों को कॉमन लेने में दिक्कत होती है, तो मैंने क्या किया है, इसको और ब्रेक कर दिया, 6 को ऐसे कैसे लिख दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इनमें से हमने क्या कॉमन लिया, इनमें से हमने 3x कॉमन लिया, तो 2x स्क्वायर के पास क्या बचेगा, 2x, 15x के पास क्या बचेगा, ओनली 5। अब 2x और 5 में कोई कॉमन नहीं है, तो हमने क्या लिखना है, प्लस 1, और ब्रैकेट में एज इट इज़ 2x प्लस 5। अब देखते हैं हम लोग इस वाले स्टेप में 2x प्लस 5 दोनों जगह कॉमन है, तो 2x प्लस 5 को हम बाहर निकालेंगे, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 3x प्लस 1। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन। सो आई एम श्योर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, कैसे सिंप्लीफाई करनी है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, काइंडली लाइक द वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे आपको ऐसी वीडियोस, मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें और आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। ओके चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर।